9 दिसंबर से राजधानी पटना के लिए चलने वाली सभी बंद की गई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार से सहरसा से निकलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, कोसी एक्सप्रेस ट्रेन सहित अन्य बंद ट्रेनों का फिर से परिचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह ट्रेन बंद थी बरौनी लूप लाइन में निर्माण कार्य के कारण। बीते 6 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच सहरसा से पटना जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। वहीं कई ट्रेनों का मार्ग में परिवर्तित की गई थी। वहीं सहरसा से खुलने वाली यह सभी ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर यह सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं इसकी जानकारी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि 6 दिसंबर से यह सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। 8 दिसंबर तक यह ट्रेन का परिचालन बंद था और ऐसे में यह सभी ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राजधानी जाने के लिए राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, कोसी एक्सप्रेस ट्रेन और सन्निहित एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से शुरू कर दिया गया है। इनका परिचालन फिर से शुरू हो गई है। अब यात्री फिर से ट्रेन पकड़कर राजधानी पहुंच सकेंगे।